छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सतनामी समुदाय के प्रदर्शन के दौरान सोमवार को बवाल हो गया। लोगों ने कलेक्ट्रेट में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद भीड़ ने पथराव भी शुरू कर दिया। पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ के बीच कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट में आगजनी की। बालोदा बाजार में बीते 17 मई से चल रहा सतनामी समाज का प्रदर्शन सोमवार शाम को अचानक उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आग लगा दी। 200 से अधिक दो पहिया और करीब 50 चार पहिया वाहनों को फूंक दिया गया। बीते 17 मई को छत्तीसगढ़ के गिरोदपुरी में, जो कि सतनामी समाज का आस्था का केंद्र बिंदु है, वहां पर जैत खाम प्रतीक चिन्ह को तोड़ दिया गया था। इसके बाद सतनामी समाज आक्रोशित हो गया था। समाज के लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में प्रदर्शन करने के लिए अनुमति मांगी थी। प्रशासन ने शांतिपूर्ण आंदोलन की अनुमति भी प्रदान कर दी, लेकिन अचानक आंदोलनकारियों ने वहां पर आगजनी और तोड़फोड़ कर दी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपद्रवियों की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।